नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार पिछले 5-6 महीने से तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में आपने देखा कि क्या चीज़ का बिजनेस सबसे ज़्यादा चला, मेडिकल रिलेटेड कंपनी और मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट, मास्क वास्क सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों का बहुत बोलबाल रहा और बहुत ही अच्छा बिजनेस लोग करके निकल गए। अब शायद उन चीज़ों का क्रीम कम हो चुका है। तो मेडिकल से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि हमने इससे पहले भी एक मेडिकल टूरिज्म के ऊपर एक अपना वीडियोस बनाया था कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है और कैसे इसमें लोग पैसा कमाते हैं। तो उसी सिलसिले में अब नया से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि मेडिकल टूरिज्म का जो अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। देखिए, मेडिकल टूरिज्म है क्या? मेडिकल टूरिज्म है कि मान लीजिए हमारे इंडिया में या मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है और यूरोप वगैरह में भी मेडिकल फैसिलिटीज इससे भी अच्छा है, मगर वहाँ पे भी तो मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो वहाँ पे इलाज कराने में उनको बहुत कॉस्टिंग आता है। तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया की तरफ आते हैं और इंडिया में आके बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, ऐसे शहरों में अपना इलाज कराते हैं और इलाज करा के फिर वापस जाते हैं। जैसे बहुत सारा कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश का लगभग 90% जो हेल्थ का है वो कोलकाता पे ही टिका हुआ है। यहाँ पे लोग ट्रेन भर भर के आते हैं और अपना इलाज कराते हैं और अपना जाते हैं। तो देखिए, इसी प्रोसेस को लोगों ने बिजनेस में बदल दिया, यानी उनका टिकट कराने का काम, उनका यहाँ ठहरने का काम, उनका यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट कराने का काम, उनका खाने का उपाय, उनका हॉस्पिटल से डॉक्टर जाने तक का कैब का फैसिलिटी, उनका वीज़ा का फैसिलिटी, उनका एयरवेज का टिकट, 7-8 ऐसा बिजनेस हुआ जो लोगों का जुड़ गया एक बिजनेस के साथ, मेडिकल टूरिज्म के साथ। तो अगर कोई मेडिकल टूरिज्म का कंपनी खोलना चाहता है तो आप सोचिए, ये 7 काम में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कमाते हैं तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास आ जाता है। आपको इस कंपनी खोलने के लिए करना क्या है, आपको जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार ही आपको काम करना है। आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तैयार करना है, उसका पैन कार्ड, GST और करंट अकाउंट खोलना है, उसको उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका ISO कराना है क्वालिटी मैनुअल के लिए, और ट्रेडमार्क कराना है ताकि ये नाम कोई और ना ले पाए। एक अच्छा सा वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट बना के जितना अगर आप प्रमोशन कीजिएगा फॉरेन कंट्रीज में, जैसे आपको बांग्लादेश काम करना है तो आप बांग्लादेश के गूगल ऐड में, फेसबुक में, वहाँ पे पैसा देके प्रमोट कीजिए और वहाँ से जो पब्लिक है आपको कॉन्टैक्ट करना चालू कर देगा। और आप इंडिया में हॉस्पिटल्स और ऐसे 7-8 जो हमने एजेंसीज बताई, इन सबसे टाई अप कर लीजिए, और आपका जब पेशेंट वहाँ से आपको पैसा देके बुक कर देता है तो फिर आप इन सब से अपना चैनलाइज करके उसका काम करवा दीजिए। ये होता है मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस। और अगर किसी को इस मेडिकल टूरिज्म बिजनेस के ऊपर प्रोजेक्ट चाहिए कि और भी इसके अंदर से कैसे काम होता है, कैसे मार्केटिंग होता है, तो 10-20,000 rupees मार्केट का इसका प्राइस है एक एक प्रोजेक्ट का, जो हम आपको 8-10,000 rupees में बना के दे देंगे। और अगर इसका काम करना हो या लाइजनिंग कराना हो तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। उसका एक्स्ट्रा जो भी चार्ज लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा, या आपके शहर में कोई हो तो आप करा सकते हैं। इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक कोविड के बाद भी, पहले भी था, बाद में भी आएगा, बहुत ही अच्छा एक उभरता हुआ फील्ड है जिसमें आप बहुत तरीके से, जेन्युइन तरीके से पैसा कमा सकते हैं और एक बहुत अच्छा अपना नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेडिकल टूरिज्म के ऊपर हमारा ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। और ऐसे किसी डॉक्टर, या अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये तो काम आप और भी आसानी से कर सकते हैं। हमारा कंसल्टेशन लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, हम आपको वेबसाइट से लेके, ऐड से लेके सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट बना के देंगे, इम्प्लीमेंट करवा के देंगे ताकि आपका काम अच्छे से चालू हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।